नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना में। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 1/2024 के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाइएगा, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर यहाँ वैकेंसी निकाला गया है। आप यहाँ से डेट देख सकते हैं, ये फॉर्म जो है आपका 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 22 फरवरी तक रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल रहेंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाकर यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो किस किस स्पोर्ट्स के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एथलेटिक्स के लिए है जिसके लिए यहाँ पे डेकथलॉन, लॉन्ग जंप, 110 मीटर का हर्डल होगा, हाई जंप होगा, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, तो यहाँ बहुत सारा यहाँ पे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, साइकिल पोलो, साइकिलिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, वॉलीबॉल, स्विमिंग, स्क्वाश, लॉन टेनिस, तो वो आप एक एक करके यहाँ से देख लीजिएगा। वेट लिफ्टिंग भी है, केजी वाइज है यहाँ पे, तो एक एक करके देख लीजिए। एज जो है अगर आपका जन्म 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच में हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे 21 साल रखा गया है। मार्शियल स्टेटस जो है आपको अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अगर आप साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो 10+2 आपको पास के अलावा होना चाहिए, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए ओवरऑल, और अलग से आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर आप आर्ट्स कॉमर्स भी दिए हैं तो भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, उसमें भी आपका 10+2 मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा किए हुए इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और अलग से आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। आपका यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। हाइट जो है मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर रखा गया। वेट आपका हाइट के हिसाब से रहेगा। चेस्ट जो है मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर रखा गया है और एक्सपेंशन करने पे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ आपका डेंटल चेकअप भी होगा, विजुअल एक्विटी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।